Hello everyone, I am Abhishek and welcome to THC, the House of Camera. आज THC पे हमने सोचा क्यों ना एक ऐसे प्रोडक्ट को रिव्यू किया जाए. मैं रिव्यू तो नहीं बोलूँगा, बेसिकली हमने सोचा क्यों ना इस कैमरे को Fuji फिल्म X-T4 के बारे में कुछ आपको बताया जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, ताकि एक आप एक वाइज डिसीजन ले सकें कि वेदर यू शुड बाय दिस कैमरा और नॉट. नाउ रिमेंबर, THC पे जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे, वी आर नॉट फोर्सिंग आवर ओपिनियंस ऑन यू. यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू डिसाइड व्हाट कैमरा यू नीड टू बाय और व्हाट गियर यू नीड टू बाय, डिपेंडिंग ऑन योर बजट एंड डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट. नाउ एज अ फोटोग्राफर एंड एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, मैंने इस कैमरे को कुछ दिन ट्राई किया, इससे स्टिल्स लिए, इससे वीडियोज़ लिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. एंड ऑन THC, अगेन दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाई Fuji. जो भी ओपिनियन, जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, दैट इज़ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस विद दी कैमरा, और होपफुली वो इन्फॉर्मेशन आपके कुछ हेल्प कर जाए अगर आप एक नया कैमरा लेने की सोच रहे हैं तो. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस कैमरे के बारे में, Fuji फिल्म X-T4 के बारे में, चार डिपार्टमेंट्स के ऊपर बात करेंगे. पहला तो डिज़ाइन, दूसरा स्टिल मतलब फोटोग्राफी, तीसरा वीडियोस, एंड चौथा किन लोगों के लिए कैमरा है या किस तरीके के फोटोग्राफर्स इस कैमरे को से डिज़ायर्ड रिजल्ट हासिल कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन ऑफ दिस कैमरा. और डिज़ाइन से सबसे पहला एस्पेक्ट जो जाता है वो द लुक ऑफ द कैमरा से है. अगर Fuji फिल्म कैमराज की बात की जाए तो इनका जो रेट्रो लुक होता है, क्लासिक लुक होता है, कई लोग तो इसी के फ़ैन होते हैं और इसी के कारण Fuji कैमराज को ख़रीदते हैं. एंड Fuji होल्ड्स अ वेरी ह्यूज लॉयल कस्टमर बेस बिकॉज ऑफ द लुक एंड द डिज़ाइन ऑफ द कैमरा, विच इज़ क्वाइट रेट्रो एंड क्लासिक इन नेचर. तो Fuji को इस चीज़ के लिए 100 मार्क्स टू मेंटेन दैट डिज़ाइन फीचर, दैट रेट्रो फीचर इन देयर कैमराज. एंड इसी के लिए मैं भी पर्सनली इस तरीके के कैमरे को लाइक करता हूँ जिनके रेट्रो लुक होते हैं, बिकॉज यू फील लाइक अ ट्रू फोटोग्राफर व्हेन यू होल्ड दिस काइंड ऑफ कैमराज. नाउ मुझे लगता है धीरे धीरे कंपनीज को बंद कर देना चाहिए यह मार्केट करना कि मिररलेस कैमराज आर नोन फॉर देयर कॉम्पैक्ट नेचर. क्योंकि अगर मैं इस कैमरे की साइज़ की बात करूँ तो X-T3 से थोड़ा सा बड़ा है ये कैमरा साइज़ में. एंड अगेन, अगर आप कुछ साल पहले जो APS-C साइज़ के DSLRs आते थे निकॉन और कैनन के, अगर उनके साइज़ से कंपेयर करेंगे आप, तो ये ऑलमोस्ट उन्हीं के साइज़ का है. आई एम टॉकिंग अबाउट कैमराज लाइक D3200 निकॉन का, D3500 कैनन के भी कुछ APS-C साइज़ के कैमराज आते थे पहले. अब तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज मिररलेस पे शिफ्ट कर गई हैं. बट मेरे ख्याल से जो कॉम्पैक्ट फीचर होता था मिररलेस कैमरे का, वो धीरे धीरे अब ख़त्म होता जा रहा है. तो आई बिलीव अब कंपनीज भी उसको मार्केट करना कम कर दिया है. अब मुझे लगता है कंपनीज को ये समझ में आ गया है कि कैमरे का साइज़ छोटा कर देने से बात नहीं बनेगी. कैमरा शुड कम कंफर्टेबली इन योर हैंड. फोटोग्राफर को उसको पकड़ने में कंफर्टेबल फील होना चाहिए. एग्रोनॉमिकली बटन्स, मेन्यू सब एक्सेसिबल होने चाहिए. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन कैमरे का साइज़ छोटा 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 करते जाए. और प्रॉबेबली यही एक रीज़न है कि इसका कंपेरेटिवली जो कैमरा है सोनी का A6600, अगर आप उसका साइज़ देखेंगे तो काफ़ी कॉम्पैक्ट है. बट अगर उस पर कोई आप टेली लेंस लगा देंगे या कोई लॉन्ग लेंस लगा देंगे, तो फिर प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो जाती है. देन इट इज़ नॉट एग्रोनॉमिकली वेरी कंफर्टेबल टू होल्ड. एंड कई जिनके हथेलियाँ बड़ी बड़ी हैं, हाथ बड़े बड़े हैं, वो शायद उस कैमरे को ढंग से पकड़ भी नहीं पाते हैं. दैट्स द मेजर फैक्टर कि कैमरे का एग्रोनॉमिकली अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ना कि बहुत छोटा होना. दैट्स वॉट आई फील पर्सनली. तो उस डिपार्टमेंट में Fuji ने बहुत अच्छा काम किया. यू कैन होल्ड द ग्रिप कम्फर्टेबली, यू कैन होल्ड द लेंस कम्फर्टेबली, इररिस्पेक्टिव कोई भी लेंस आप लगा रहे हो उसमें, यू कैन होल्ड दैट वेरी कम्फर्टेबली. अभी इस पर 1855 लेंस लगा हुआ है, विच इज़ नॉर्मली जो फर्स्ट टाइम कैमरा यूजर्स होते हैं वो यही लेंस लेते हैं इसके साथ. सो वैसे देखा जाए तो डिज़ाइन फैक्टर से एज अ फोटोग्राफर आई फील रियली कम्फर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट होल्डिंग दिस पर्टिकुलर कैमरा. जहाँ तक बटन्स एंड डायल्स का सवाल है, देयर आर डेडिकेटेड बटन्स फॉर मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो एक फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर को चाहिए होते हैं. Fuji इज़ नोन फॉर गिविंग डेडिकेटेड डायल्स फॉर ISO, शटर स्पीड, एक्सपोजर कॉम्पनसेशन, और जो एक सबसे बढ़िया फैक्टर इसमें आया है वो है स्टिल्स और मूवी मोड के लिए टॉगल स्विच दिया हुआ है, जिससे आप इमीडिएटली स्टिल्स में स्विच कर सकते हैं और मूवी में
मूवी के बीच में स्विच कर सकते हैं। आप मूवीज़ की सेटिंग या वीडियो की सेटिंग्स डिफरेंट रख सकते हैं स्टिल्स की सेटिंग से, सो दैट जब आप स्टिल्स कर रहे हैं तो वो सेटिंग्स ओवरलैप ना करें। एंड दैट्स अ मेजर एडवांटेज अगर आप एक हाइब्रिड कैमरा यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप बोथ फोटोज़ एंड वीडियोज़ दोनों शूट कर रहे हैं। एंड द गुड पार्ट इज मूवीज़ के लिए आप सब कुछ अलग रख सकते हैं, फिल्म सिमुलेशन मतलब पिक्चर प्रोफाइल से लेके वाइड बैलेंस से लेके शटर स्पीड अपर्चर सेपरेट हो सकता है, स्टिल्स के लिए आप सेपरेट रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लाइटिंग कंडीशन, विच इज़ वेरी गुड। ये बहुत कम कैमरेज में देखने को आ रहा है आजकल एंड आई थिंक कंपनीज शुड लर्न मोर फ्रॉम फूजी बाई प्रोवाइडिंग अ डेडिकेटेड टॉगल स्विच फॉर मूवीज एंड स्टिल्स। एक और फीचर जो फूजी ने इसमें इंट्रोड्यूस किया है दैट इज़ आर्टिकुलेटेड स्क्रीन, जो कि अगर आप वीलॉग बनाते हैं, यूट्यूबर हैं, कॉन्टेंट क्रिएटर हैं, यू कैन एक्चुअली यूज़ दिस स्क्रीन, दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल। नाउ कुछ लोगों को इंटरनेट पर मैं काफ़ी रिव्यूज़ पढ़ रहा था इस कैमरे में ये आर्टिकुलेटेड स्क्रीन कोई खासा अच्छा नहीं लगा, बट एज अ फोटोग्राफर एंड एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर बिकॉज आई शूट वीडियोज़ एंड फोटोज़ बोथ, आई बिलीव उनके लिए ये बहुत ही मेजर एडवांटेज है और ये मेरे ख्याल से हर कैमरे में होना चाहिए। कोई भी ऐसा कैमरा अनटच नहीं होना चाहिए, चाहे वो कैनन का हो, सोनी का हो, चाहे निकॉन का हो, चाहे पैनासोनिक का हो, जिसमें आर्टिकुलेटेड स्क्रीन ना आए। एवरी कैमरा शुड हैव आर्टिकुलेटेड स्क्रीन, दैट्स व्हाट आई फील एज अ क्रिएटर, जिससे आप फोटोज़ और वीडियोज़ शूट करने में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। जहाँ तक व्यू फाइंडर का सवाल है, लेट मी टेल यू व्यू फाइंडर ठीक ठाक ब्राइट है अगर आप ब्रॉड डेलाइट में शूट कर रहे हैं। ऑब्वियसली अभी तक मैंने ऐसा कोई भी कैमरा नहीं देखा है जिसका स्क्रीन ब्रॉड डेलाइट में भी प्रॉपरली लिट हो, अच्छा आपको ल्यूमिनेंस वैल्यू मिले उसमें। तो EVF बड़े काम की चीज़ होती है ऐसी सिचुएशन में ब्रॉड डेलाइट के अंदर। इसका EVF ठीक ठाक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो अभी करंट कैमराज आ रहे हैं जैसे लूमिक्स G9 या S1 या S1R, उनके कंपैरेटिवली शायद EVF इतना ब्राइट और हाई रेज नहीं है, बट ठीक है एज अ APS-C सेंसर आई वुड से इट्स अ डिसेंट EVF, इट्स नॉट दैट बैड। नाउ डिज़ाइन को लेके लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नज़र आई, ये जो इसका ड्राइव मोड का जो टॉगल स्विच है जिसको आप इधर उधर करके जिससे आप ड्राइव से चेंज कर सकते हैं शूटिंग की, जैसे कंटिन्यूस हाई, कंटिन्यूस लो या सिंगल शॉट या ब्रैकेटिंग, मुझे लगता है अगर आपकी फिंगर्स थोड़ी बड़ी हैं तो यू विल एक्सीडेंटली यू नो हिट द अपर डायल जो कि ISO का है और थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि ये टॉगल स्विच काफ़ी छोटा दे दिया है इन्होंने, थोड़ा सा इसको और बड़ा देना चाहिए था। बट अदरवाइज ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट एंड यू नो इट फील्स लाइक अ फुल मेटल बॉडी, सो इट लुक्स रियली गुड। एंड आई थिंक डिज़ाइन के लिए फूजी को मैं इसमें एज अ APS-C सेंसर कैमरा मैं इसको फुल मार्क्स दूंगा। इट्स अ वेरी वेल डिज़ाइन कैमरा कीपिंग द एस्थेटिक्स ऑफ फूजी कैमराज इंटैक्ट। नाउ अब बात करते हैं इसकी स्टिल्स कैपेबिलिटीज़ की। लेट मी टेल यू मैंने X-T3 ट्राई किया है, X-T3 के कंपैरेटिवली इसके स्टिल्स में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट हैविंग सेड दैट लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट APS-C सेंसर कैटेगरी में, क्रॉप सेंसर कैटेगरी में इससे अच्छा डायनेमिक रेंज मैंने अभी तक नहीं देखा है। और इस कैटेगरी में निकॉन भी कैमराज बना रहा है, कैनन भी बना रहा है एंड सोनी भी बना रहा है और मिररलेस भी हैं, DSLRs भी हैं। बट हैविंग सेड दैट कुछ नई चीज़ें हैं जैसे कि फिल्म सिमुलेशन या पिक्चर प्रोफाइल और ब्रांड्स में कहा जाता है, फूजी ने इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं जैसे कि इटरना ब्लीच बाईपास। नाउ अगर आप JPEG शूटर्स हैं और आप ज़्यादा टाइम पोस्ट प्रोडक्शन में स्पेंड नहीं करना चाहते, आई बिलीव उनके लिए ये फिल्म सिमुलेशन बहुत इफेक्टिव प्रूव हो सकते हैं, बड़ा मज़ा आएगा उनको ये यूज़ करने में। बट अगर आप इन फिल्म सिमुलेशंस को वीडियो में यूज़ करते हैं तो आपको कंसिस्टेंटली हर शॉट के लिए अगर आप प्रोडक्शन कुछ कर रहे हैं तो आपको वही सिमुलेशन पे स्टिक रहना पड़ेगा, विच इज़ क्वाइट चैलेंजिंग आई बिलीव। आप एक दो प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी फिल्म सिमुलेशंस यूज़ करके कर सकते हैं, बट आई बिलीव इफ यू आर अ सीरियस फोटोग्राफर देन यू विल बी शूटिंग रॉ एंड देन डेफिनेटली यू कैन चेंज द सिमुलेशन लेटर ऑन। उस हिसाब से इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लगता है फिल्म सिमुलेशन बिकॉज आई एम अ रॉ शूटर, सो आई विल स्टिक टू माई रॉ स्टैंडर्ड फिल्म सिमुलेशन। बट अगर आप JPEG शूटर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम
फोटोग्राफी करने में स्पेंड करना चाहते हैं, यू लव डूइंग स्ट्रीट फोटोग्राफी, यू लव डूइंग मोनोक्रोम फोटोग्राफी, देन प्रोबेबली फिल्म सिमुलेशन यूज़ करके आपको काफ़ी मज़ा आएगा, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप काफ़ी मोटिवेट होंगे, बिकॉज जब वो सिमुलेटेड इमेजेस आप स्क्रीन पे देखते हैं तो ऑटोमेटिकली यू नो आपका मोटिवेशन हाई हो जाता है टू टेक मोर पिक्चर्स लाइक दिस, बिकॉज आपको ऑलरेडी एक प्रोसेस्ड इमेज आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही है. तो उस हिसाब से इट्स अ गुड थिंग, बट प्रोफेशनली आई डाउट एनीबडी विल यूज़ इट. ना मुझे नहीं लगता कि फिल्म सिमुलेशन कोई एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से कोई सीरियस फोटोग्राफर इस कैमरे को चूज़ करे. मुझे ऐसा लगता है प्रोफेशनली या एज अ सीरियस हॉबिस्ट कोई भी कैमरा चूज़ करने के लिए दो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए, जो एटलीस्ट मैं रखता हूँ, वो है कैमरा कितना जल्दी फोकस को लॉक करता है और कैमरे का लो लाइट में आईएसओ परफॉर्मेंस कैसा है. नाउ अगर इस कैमरे की फोकसिंग की बात करें तो ऑब्वियसली इट्स अ मिररलेस कैमरा, इससे एक्सपेक्टेशन यही है कि ये फोकस फटाफट लॉक करेगा, जल्दी से जल्दी लॉक करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली द फोकसिंग सिस्टम ऑफ दिस कैमरा, फूजी कैमराज, वर्क्स ऑन कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन. और दुनिया बहुत आगे निकल गई है, अगर आप कैनन का डुअल पिक्सल लें या सोनी का फेस डिटेक्शन लें, उनको कंपेयर करें वर्सेस कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है. Yes, it's faster than X-T4. Yes, it's faster than some other cameras जिनका focusing system contrast detection के basis पे चलता है, but it is not as good at as Canon or Sony. अगर इस कैमरे के facial recognition या face detection feature की बात करें तो decently काम करता है. मैंने try किया, कुछ instances पे glitch मार रहा था, background को focus पे ले रहा था, कुछ instances पे जहाँ पे lighting अच्छी थी वहाँ पे flawlessly काम किया. But that's not you expect from a camera at this particular price range, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, because इसी कैटेगरी के कॉम्पिटिशन में यू आर गेटिंग बेटर कैमराज विद बेटर फोकसिंग सिस्टम एट लीस्ट. नाउ अगर इस कैमरे के फेशियल रिकॉग्निशन या फेस डिटेक्शन की बात की जाए फोकसिंग के अंदर, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ख़राब है, बट अगर आप उसको इंडस्ट्री के कुछ ब्रांड से कंपेयर करें, कैनन या सोनी से, या सोनी A6600 जो कि इसके लेवल का कैमरा है, देन इट स्टैंड्स नोवेयर क्लोज. यस, फूजी ने इम्प्रूवमेंट किया है फोकसिंग पे, बट लेट मी टेल यू, कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन इज नॉट द फ्यूचर. कैनन अगर डुअल पिक्सल लेकर आ रहा है, कैनन ने डुअल पिक्सल में बहुत ही अच्छी महारत हासिल कर ली है, सोनी इज डूइंग फेस डिटेक्शन, एंड द गुड थिंग इज आप इन कैमरेज पे बिना उनका स्क्रीन देखे, बिना उनका स्क्रीन फ्लिप करे, आप कॉन्फिडेंटली उनके फोकसिंग सिस्टम पर रिलाई कर सकते हैं. बट अगर कोई कैमरा कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन फोकसिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बाबा आदम के ज़माने की बातें हो गई हैं, तो उस पर रिलाई करना कॉन्फिडेंटली बहुत मुश्किल है. लेट मी टेल यू, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैमरे का, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें ISO की वजह से, हाई होने की वजह से अगर नॉइज़ आ जाती है, यू कैन फिक्स दैट. डीनॉइजिंग टूल्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप फोटोशॉप में यूज़ करके, यू कैन प्लगइन्स को यूज़ करके यू कैन रिमूव नॉइज़. बट फोकसिंग में अगर सब्जेक्ट आपका फोकस नहीं है, आउट ऑफ फोकस आ गया, तो दुनिया को कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो उसको शार्प कर पाए. सो आई थिंक फूजी को इस डिपार्टमेंट में और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन यूज़ करके लॉट ऑफ कंपनीज से कि हम कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बाकी फेस डिटेक्शन वगैरह यूज़ करने से क्वालिटी लॉस होता है, तो लेट मी टेल यू, कैनन को भी प्रोफेशनल्स यूज़ कर रहे हैं प्रोफेशनल प्रोडक्शन यूसेज में, सोनी को भी यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा भी कोई क्वालिटी लॉस नहीं होता है कि आप टेक्नोलॉजी शिफ्ट करने में डर रहे हैं. सो प्लीज़ डू दैट, ब्रिंग आउट समथिंग सो यूनिक जिस पे कॉन्फिडेंटली रिलाई किया जा सके. एट लास्ट जहाँ तक फोकसिंग की बात है, डिसेंट है. मैंने अपने ऊपर ट्राई किया फेस रिकॉग्निशन, कुछ और सब्जेक्ट्स पे ट्राई किया, आई वुड से आउट ऑफ 10 times 7 times शार्प किया एंड 3 times आउट ऑफ फोकस किया, पीछे बैकग्राउंड पर फोकस किया. सो मैं ये नहीं बोलूँगा 100% फुल प्रूफ है, बट या इट्स डिसेंट, इट्स बेटर देन अदर ब्रांड जो कि कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन फोकसिंग सिस्टम पर काम करते हैं. तो अगर रैंकिंग की बात की जाए तो मैं टॉप पे कैनन को रखूँगा फोकसिंग में, सेकंड सोनी, एंड प्रॉबेबली थर्ड पे शायद फूजी को रख दूँ. बट अगेन इसका मतलब ये नहीं कि ये दीज कैमराज शुड स्टिक टू कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन ओनली, दे शुड ब्रिंग आउट समथिंग यूनिक एंड फास्ट. नाउ अगर इसके ISO परफॉर्मेंस की बात की जाए, जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फोटोग्राफी में कि कैमरे की लो लाइटिंग में ISO परफॉर्मेंस हाई ISO पे कैसी जाती है, तो लेट मी टेल यू, उस डिपार्टमेंट में ये कैमरा इस सेंसर साइज के लिए बहुत अच्छा काम करता है.
almost I should say 6400 ISO तक I got acceptable quality जिसको आप 8x10 के साइज पे जाके प्रिंट कर सकते हैं विद नो पॉसिबल ग्रेन्स और नॉइज विजिबल इन द इमेज विच इज़ क्वाइट नाइस इस सेंसर साइज के हिसाब से. तो ISO के डिपार्टमेंट में आई विल गिव इट फुल मार्क्स कंसिडरिंग द सेंसर साइज. सो स्टिल्स डिपार्टमेंट में लास्ट बट नॉट द लीस्ट डायनेमिक रेंज ऑफ दिस सेंसर. लेट मी टेल यू APS-C size sensor mein, this has got the best dynamic range. If you are shooting a raw file, uncompressed raw from this camera, you can really recover some nice details in the shadow areas as well as from the highlight areas, which is quite good. And agar aap shaukiya photographer hain, serious hobbyist hain, aur aap street photography karte hain, environmental portrait karte hain, and you use camera mostly when you are traveling, so I think you won't regret it because dynamic range काफ़ी अच्छी capture करता है ये highlight areas में as well as shadow areas में. अब बात करते हैं इस कैमरे की video capabilities के बारे में. X-T4, Fuji film X-T4 का जो अभी feature top of the town बना हुआ है video feature के मामले में वो है IBIS, in-body stabilization. Now इसका जो in-body stabilization है probably अभी तक I will still say that Panasonic Lumix and Olympus are the leaders in terms of stabilization. मैंने उनके जैसा stabilization video में नहीं देखा अभी तक. अब second rank पर I can put Fuji. Now इसका stabilization इतना भी wonderful नहीं है कि वो gimbal को replace कर दे, जैसे कि कुछ review videos दिखा रहे हैं that you won't need a gimbal anymore. ऐसा नहीं है, gimbal का काम gimbal ही कर सकती है. कोई camera stabilization feature उसको अभी तक तो replace नहीं कर सका है, आगे कर दे तो बहुत अच्छी बात है. बट हैविंग सेड दैट, इसका जो इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन है दैट्स क्वाइट गुड. एज आई सेड, पैनासोनिक लूमिक्स, ओलंपस, इसके बाद मैं अगर किसी कैमरे को स्टेबलाइजेशन में रखूंगा तो दैट इज़ फूजी. गिम्बल को रिप्लेस नहीं कर सकता. मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ देखे जहाँ पे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये गिम्बल को रिप्लेस कर सकता है. ऐसा नहीं है, वो गलती मत करिएगा. गिम्बल के मोशन रेप्लीकेट अभी करने वाला कोई भी कैमरा नहीं आया है, तो वो तो नहीं हो सकता. बट अदरवाइज आपको ढंग के स्टेबल स्टैटिक शॉट्स आपके निकाल देगा ये कैमरा, दैट इज़ फॉर श्योर. वीडियो फीचर में ही इट कैन रिकॉर्ड 10 bit 422 ऑन एन HDMI रिकॉर्डर लाइक एटमोस निंजा. बट मुझे ये जानना है कि फूजी के साथ निंजा कौन कौन यूज़ कर रहा है. आई डाउट, बिकॉज प्रोफेशनल सर्किट पे जितनी भी बार मैंने निंजा यूज़ होते हुए देखा है वो या तो कैनन पे यूज़ होते हुए देखा है, या निकॉन पे यूज़ होते हुए देखा है, या S1 पे यूज़ होते हुए देखा है, या S1H पे यूज़ होते हुए देखा है लूमिक्स के. फूजी पे मैंने बहुत कम लोगों को निंजा यूज़ करते हुए देखा है. हाँ, YouTube पे जो इस कैमरे को रिव्यू कर रहे हैं प्रॉब्ली उन्होंने निंजा यूज़ किया होगा, बट प्रोडक्शन पर्पज से आई डाउट एनीबडी इज़ यूजिंग दिस कैमरा. प्रॉब्ली फूजी नीड्स टू वर्क ऑन इन दैट डायरेक्शन इफ दे आर ग्रेजुअली इंप्रूविंग देयर वीडियो फीचर, कि दिस कैमरा कैन बी यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन पर्पजेज ऑल्सो. 422 10 बिट इज़ अ वेरी हाई रेजोल्यूशन, ए वेरी हाई क्वालिटी ऑफ वीडियो फाइल. और अगर ये कर सकता है, जो कि मैंने भी ट्राई किया है, करता ही है, आई बिलीव देन इट शुड बी मार्केटेड एज दैट कैमरा. बट अभी तक तो आई डोंट सी एनी वन, प्रॉबली मैं शायद देखने में चुक गया हूँ, एनी वन यूजिंग फूजी कैमरा विद निंजा. जहाँ तक वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें, इट कैन रिकॉर्ड 4K, इट कैन रिकॉर्ड फुल HD, इट कैन रिकॉर्ड 4K एट 60 FPS, इट कैन रिकॉर्ड फुल HD, इट कैन गिव यू फ्रेम रेट्स ऑफ 240 FPS, 120 FPS. बट 240 ठीक है, मैंने कई रिजल्ट्स देखे उसके जो वेल लिट कंडीशंस में ठीक ठाक दिख रहे हैं, बट थोड़ा सा अगर लाइट की कमी होती है तो बड़ा सेलफोनिश रिजल्ट आ रहे हैं उसके. आई डाउट कोई भी उसको प्रोडक्शन वर्क में यूज़ करेगा, बट हाँ बीच में अगर 1-2 सेकंड के लिए आप उस शॉट को लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, बट अदरवाइज़ वो 240 FPS वाले शॉट तो आर अनयूजेबल एट ऑल. मुझे नहीं लगता कोई प्रोडक्शन काम के लिए उनको यूज़ करेगा, बट अदरवाइज़ द रिजल्ट्स आर डिसेंटली वेल. हाँ, कॉन्ट्रास्ट की वजह से अगर आप ऑटो फोकस सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वीडियो में, तो आप अगर फेस रिकॉग्निशन, फेस डिटेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अच्छी लाइटिंग कंडीशन में उसको यूज़ करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल लॉक द फेस प्रॉपरली. जहाँ लाइटिंग थोड़ा सा लो होता है वहाँ पे बैकग्राउंड फोकस में आने लगता है. और इसमें इसका जो कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में मैंने बताया जब हम स्टिल्स की बात कर रहे थे, उसका फेलियर है. अदरवाइज द रिजल्ट्स ऑफ वीडियो आर प्रीटी डिसेंट कंसिडरिंग द सेंसर साइज.
वीडियो में ही अगर आप ट्रैकिंग की बात करें, फोकस ट्रैकिंग की, तो अगेन वेल लिट कंडीशंस में ट्रैकिंग वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। जहां लाइट थोड़ा सा हाई कॉन्ट्रास्ट हो जाता है या बैकलिट हो जाता है, वहां पे इसको थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट अदरवाइज इट वॉज ओके। नाउ टू कंक्लूड, किन लोगों को ये कैमरा लेना चाहिए? और मेरा मानना यह है कि जो लोग X-T1 पे हैं, X-T2 पे हैं और वो फूजी फैन हैं, डाई हार्ड फूजी फैन हैं, तो X-T3 एक सब्सटैंशियल अपग्रेड उनके लिए साबित हो सकता है। अगर वो अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली दे शुड अपग्रेड दिस कैमरा, बिकॉज दिस इज लोडेड विथ फीचर। आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट ऑल द फीचर, बिकॉज मेरे पास ये कैमरा कुछ दिन के लिए ही था। एंड लेट मी टेल यू, हाँ एक और बात, मेन्यू के बारे में हमने बात नहीं करी जब हमने डिज़ाइन एलिमेंट के बारे में बात करी। लेट मी टेल यू दैट मुझे सबसे कॉम्प्लेक्स मेन्यू जो लगता है वो लगता है सोनी का, और उसके बाद जो मुझे लगता है वो है फूजी का। द ईजीएस्ट मेन्यू टू ब्राउज विच आई फाइंड इज पैनासोनिक लूमिक्स एंड निकॉन, उसके बाद आई रेट कैनन, देन सोनी इज द टफेस्ट टू अंडरस्टैंड, एंड देन सेकेंड सोनी। नाउ इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम यूजर एंड इफ यू स्विच टू सोनी, देन आफ्टर यूजिंग सोनी अगर आप कैनन या निकॉन या किसी पे भी जंप करेंगे, आपके लिए वो कैमरे के मेन्यू ऑप्शंस में चीज़ों को ढूंढना बहुत मुश्किल बात नहीं होगी। लेट मी टेल यू, आप क्योंकि ऑलरेडी बहुत टफ चीज़ से डील करके आ रहे हैं। बट अगर आप निकॉन यूज़र हैं, अगर आप कैनन यूज़र हैं एंड देन यू आर स्विचिंग टू फूजी, देन यू माइट फेस यू नो, आपको थोड़ा सा आपका लर्निंग कर्व और बढ़ाना पड़ेगा, आपको थोड़ा और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट ईजी। तो फूजी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेन्यू को और सिंप्लीफाई कीजिए, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाइए, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, सो दैट पीपल कैन फाइंड थिंग्स इनसाइड द मेन्यू। द कैमरा इज लोडेड विथ फीचर, इसलिए जो लोग X-T1 पे X-T2 पे हैं उनके लिए ये सब्सटैंशियल अपग्रेड हो सकता है। बट जो ऑलरेडी X-T3 पे है, लेट मी टेल यू, अगर आप X-T3 पे हैं और आप फोटोग्राफी करते हैं, वीडियो आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, देन अपग्रेड करने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। हाँ अगर आप फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी दोनों करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आप X-T3 पे हैं या X-T1 X-T2 पे हैं, देन यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू X-T4 अगर आप फोटो वीडियो दोनों में इंटरेस्टेड हैं तो। नाउ अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, आप फर्स्ट टाइम कैमरा खरीदने निकले हैं, आपके पास डिसेंट बजट है फूजी फिल्म X-T4 खरीदने लायक, ऑलमोस्ट 1.5 लाख का आई बिलीव, और आप ऑब्वियसली सिर्फ फोटोग्राफी करना चाहते हैं एंड थोड़ा बहुत वीडियो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वीडियो भी, तो आई बिलीव आप थोड़ा सा और पैसा डाल के, ज़्यादा नहीं, कुछ और हज़ार डाल के आपको एक डिसेंट फुल फ्रेम कैमरा मिल जाएगा, आपको APS-C लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इट डिपेंड्स, इफ़ यू वॉन्ट अ कैमरा दैट इज लोडेड विथ फीचर and you can compromise on the sensor size, then probably this is a good choice, because jin cameras ki main baat kar raha hu full frame ke, unko aap entry level full frames keh sakte hain, they are not as loaded with features jitne features is camera mein hai. But agar aap purely photography ki baat kare, agar aap meri raaye le aur mere paas almost 1.5 lakh rupaya hai, to I will go for a full frame sensor rather than an APS-C size sensor. So that's it. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। @THC वी विल ट्राई आर बेस्ट टू गिव यू दीज काइंड ऑफ अनबायस्ड रिव्यूज, अनबायस्ड इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ आवर एक्सपीरियंस, और आपको वही चीज़ें बताएं जो आप सुनना चाहते हैं कि एक फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर को एक कैमरे में क्या क्या चाहिए होता है। जैसे कि हमने इस वीडियो में बात करी, हमने बात करी फोकस की, हमने बात करी ISO परफॉर्मेंस की, हमने बात करी वीडियो स्टेबलाइजेशन की, जो मुझे लगता है 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं किसी के भी दिमाग में टू डिसाइड अ कैमरा। उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं इस कैमरे में, अनफॉर्चुनेटली जितनी भी कंपनीज हैं, मेरे को उनसे सिर्फ एक ही शिकायत है, हमारे देश में कैमरा सबसे आखिरी में क्यों आता है भाई, जब सब आखिरी में, जब पूरी दुनिया उस कैमरे को रिव्यू कर चुकी होती है, उसके बारे में बातें कर चुकी होती है, अपनी इमेजेस दिखा चुकी होती है, वीडियोस दिखा चुके होते हैं, उसके बाद 6 महीने बाद हमारे हाथ में इस तरीके के कैमरेज आते हैं, और फिर उसके बाद कोई पॉइंट नहीं होता कि हम उसको रिव्यू करें, बिकॉज ऑलरेडी इतने बड़े बड़े फोटोग्राफर्स वर्ल्ड के उनको रिव्यू कर चुके होते हैं, कई पेड रिव्यूज़ होते हैं, कई अनपेड रिव्यूज़ होते हैं। और THC में हमारी कोशिश यही है कि हम आपको अनबायस्ड रिव्यूज़ दें, हम आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो आपको हेल्प करे सही डिसीजन लेने में, बिकॉज अगर आप थोड़ा भी पैसा खर्च कर रहे हैं, यू शुड गेट वैल्यू फॉर मनी, दैट्स व्हाट वी वांट। सो दैट्स इट फॉर नाउ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।